टेस्टी फूड पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति और आज मैं आपके साथ प्याज पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। प्याज पकौड़ों को मुंबई में कांदा भजी भी बोला जाता है, तो इसे हम क्रिस्पी घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए 3 बड़े प्याज स्लाइस में, बारीक कटे हुए स्लाइस में लंबे, ये लगभग 200 ग्राम बेसन है 8 से 10 टेबलस्पून, और ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून अजवाइन, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद के अनुसार। फ्राई करने के लिए तेल रखा है कढ़ाई में मैंने, और ये 3 हरी मिर्च मैंने लिए हैं। सबसे पहले एक बड़े से बाउल में हम प्याज को निकालेंगे और उसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब ये अजवाइन ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। अब इसके अंदर हम बेसन डालेंगे। ध्यान रखना है हमें ज़्यादा बेसन इसमें नहीं ऐड करना है, लगभग ये 8 से 10 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है 3 बड़े प्याज के लिए, और इसमें पानी भी नहीं ऐड करना है। ये अभी मैंने बारीक हरी कटी हरी मिर्च डाली हुई है कटी हुई, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब ये जो प्याज है उसी का मॉइस्चर बनेगा, तो इसमें ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करने वाले हैं। तो इसे हम लगभग 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख देंगे मिक्स करने के बाद। दस मिनट साइड में रखना है। अब ये 10 मिनट के बाद इस तरह से बन जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, अभी थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून पानी डाला है, और बेसन के स्वाद के अनुसार हमने नमक थोड़ा सा ऐड किया है। नमक चेक करके डालना है और इसे मिलाना है अच्छी तरह से। तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम जो मिर्ची लिया है उसको बीच में से इस तरह से कट करेंगे और फ्राई करेंगे उसको। दो से 3 सेकंड में मिर्ची हमारा फ्राई हो जाता है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब जो बैटर है उसका हम इस तरह से पकोड़े बनाते जाएंगे। ध्यान रखना है मीडियम या हाई फ्लेम पे हमें पकोड़ों को बनाना है। बस ये 2 से 3 मिनट में एक साइड से फ्राई हो जाते हैं, तो इसको पलट देना है और दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन करना है। दो से 3 मिनट के बाद दूसरे साइड से भी इस तरह से फ्राई हो जाते हैं हमारे पकोड़े, तो इसे हम एक किचन टॉवल पे निकालेंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। अब जो बचा हुआ बैटर है उसका भी इस तरह से हम पकोड़े बनाते जाएंगे। दो से 3 मिनट हो गए, अभी इसे पलट देना है और दूसरे साइड से, और 2-3 मिनट के बाद इस तरह से फ्राई हो गए हमारे पकोड़े, तो इसे भी हम निकालेंगे। देखो बहुत ही अच्छे पकोड़े हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही आसानी से हम घर में बहुत ज़्यादा टेस्टी पकौड़े बना सकते हैं। इस तरह से ये पकौड़े हम सॉस, चटनी या हरी मिर्च के साथ खा सकते हैं, इस तरह से बहुत टेस्टी बन जाते हैं। तो ये आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।